So good morning students, and let's start with the vision of chapter number 1, complex number. Correct? So complex number, as you know that complex number is just like a number like x plus iota y. There are two components. एक उसका real part होगा, उसका एक imaginary part होगा. Real part of z क्या होता है? x है. और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या है? वाई. आयोटा की वैल्यू आपको बता चुके हैं, रूट माइनस वन होगी. आयोटा स्केयर की वैल्यू हमारे पास माइनस वन आएगी. आयोटा क्यूब की वैल्यू हमारे पास आएगी माइनस आयोटा. ठीक है. और मैंने इसका बड़ा अच्छा से फंडामेंटल बताया हुआ था कि जब भी आपको कोई पावर आती है माइनस आयोटा, जैसे मान लो आयोटा रेज टू पावर आपको 9 निकालनी है, तो आपने ना इसकी इवन पावर बनानी है. जैसे आयोटा की पावर 8 करो और आयोटा लिख दो. आयटा की पावर 8 को आयटा की पावर 2 और पावर 4 या लिखोगे, आयटा की पावर 2 की वैल्यू है माइनस वन. तो माइनस वन की पावर 4 इंटू आयटा, तो ये माइनस वन की पावर 4 पॉजिटिव आ जाएगा, तो आयटा आंसर आ जाएगा. तो आयटा रेज टू पावर 9 इज इक्वल टू आयटा आ जाएगा. पहला तो आपको ये पता होना चाहिए. करेक्ट. सो उसके बाद हमारा होता है कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर. कॉन्जुगेट बेसिकली हमारे पास, वैसे तो आप सारे लेक्चर भी आपको बताए हुए, उसकी रिवीजन भी कर सकते हो, आपको ऑलरेडी लेक्चर मैंने भेजे हुए हैं. तो अगर हमारे पास x प्लस एटा वाई एक कम्प्लेक्स नंबर है, तो कॉन्जुगेट को हम ऐसे लिखते हैं, दिस इज द कॉन्जुगेट. तो आपका क्या, जो आइटा वाली वैल्यू होगी दैट विल बी चेंज द साइन. तो वाई जो होगा माइनस वाई, अगर माइनस होता तो प्लस वाई हो जाएगा. दूसरा, हमने एक फार्मूला आपको बताया था कि अगर जेड को जेड बार से मल्टीप्लाई कर देते हो तो एक्स प्लस एटा वाई एक्स माइनस एटा वाई. सो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर. तो आपके पास बन जाता है एक्स स्केयर माइनस माइनस ए प्लस वाई स्केयर बन जाएगा. तो ये हमारे पास एक वैल्यू बन जाएगी, ये होता है. ठीक है जी. दूसरा, मैंने बताया था जेड का मॉडुलस. अगर जेड हमारे पास एक्स प्लस एटा वाई है, तो जो मॉड जेड होगा वो ये होगा, दैट विल बी एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर. अच्छा, एक इसमें और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर आप इसका स्केयरिंग बोथ साइड कर देते हो मॉडुलस का, तो आपको ये मिलेगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर. और ये बेटा जेड इंटू जेड बार की वैल्यू भी है. ठीक है. तो इसका मतलब हो गया, हमारे पास एक फार्मूला बन जाएगा कि जेड इंटू जेड मॉड जेड कॉन्जुगेट विल बी जेड मॉड का होल स्केयर. ये फार्मूला बन जाएगा. करेक्ट. अब हमारे पास सबसे जो इम्पोर्टेंट इसमें कॉन्सेप्ट आता है, वो आर्गूमेंट और मॉडुलस का क्या आता है. ठीक है जी. जब हम एक पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं, मान लो जो कम्प्लेक्स नंबर हमारा पी एक्स वाई ऐसे एक पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस हमारा एक्स है, ये डिस्टेंस हमारा वाई है. ठीक है. इसको अगर मिलाएंगे डायरेक्ट ओरिजिन से, तो हम बोल देते हैं इसको मैं लेंथ आर बोल लेता हूँ. तो ये जो ये पी पॉइंट है जो एक्स प्लस छोटा वाई, इसको कम्प्लेक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं इस तरह से. तो ये जो ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है. तो ये आर स्केयर की वैल्यू जो होगी ना, ये हाइपोटेन्यूज, पाइथागोरस लगाओगे, हाइपोटेन्यूज स्केयर विल बी बेस स्केयर प्लस परपेंडिकुलर स्केयर. तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर. अगर ये थीटा ले ले, ये एंगल थीटा ले ले, तो साइन थीटा की वैल्यू, एक तो आर की वैल्यू आगी स्केयर रूट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर. इसका मतलब ये भी हमारे पास, ये तो मॉड जेड होता है, इसका मतलब ये जो जेड है इसका जो मॉडुलस है वो आर है, वो डिस्टेंस होता है स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन टू दैट पॉइंट. ये हमने चीज की हुई है. अब हमने एक रिलेशन बनानी है साइन थीटा और कॉस थीटा के अंदर. अगर मेरे पास ये थीटा है पॉजिटिव एक्स एक्स से जो एंगल बना रहा है वो ओपी लाइन, तो आपको पता है कि साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर आवर बेस, सॉरी हाइपोटेन्यूज. तो इस एंगल ट्रायंगल में ये जो एंगल के सामने साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होती है. तो परपेंडिकुलर हमारे पास वाई है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास आर है. तो ये वाई की वैल्यू हमारे पास आएगी आर साइन थीटा. ठीक है. अगर मैं कॉस थीटा निकालता हूँ तो आएगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज. बेस हमारे पास एक्स है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास आर है. तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी आर कॉस थीटा. ये आप मल्टीप्लाई करें ना ऐसे करके, क्रॉस मल्टीप्लाई करें. तो ये दो वैल्यू आपको याद रखनी है. अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर देते हो, जैसे आर साइन थीटा इज इक्वल टू वाई है और आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स है, तो इसको अगर डिवाइड दे तो आर से आर कैंसिल हो गया, तो मेरे पास साइन ओवर कॉस इज इक्वल टू टेन थीटा आ गया. एक ये रिलेशन याद रखनी है, एक आर की वैल्यू रखनी है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर.
तो जब हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस छोटा वाई, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ना, पोलर फॉर्म, अगर पोलर फॉर्म की बात करें, ये जो फॉर्म होती है इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म। रेक्टेंगुलर फॉर्म भी बोलते हैं, कार्टीजियन फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है जी। तो जो पोलर फॉर्म है उसके अंदर जो हमारा पोलर फॉर्म होती है वो होती है आर कॉस थीटा प्लस एटा साइन थीटा। तो जो भी थीटा यहाँ से निकालोगे वो जो थीटा होगा हमारा यहाँ पे यूज करेंगे, आर की वैल्यू हमारे पास जो भी आएगी। और एक चीज मैंने बताई थी, ये पोलर फॉर्म है, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को आर और थीटा की फॉर्म में लिखना, दैट इज द पोलर फॉर्म। ये अच्छे से दिमाग में रख लेना, पोलर फॉर्म है, दिस इज द पोलर फॉर्म। और इसको जो कॉस थीटा प्लस एटा साइन थीटा है, इसको बेटा सिस थीटा भी लिख देते हैं हम कंबाइंड में। तो सिस थीटा की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ठीक है जी। तो कई बार आपको पूछेंगे जी हाँ जी बताइए जी जो सिस है वो 90 डिग्री की वैल्यू बताइए, तो आप लिखोगे कॉस 90 प्लस एटा साइन 90, है ना। तो कॉस 90 तो जीरो होता है, आयोटा साइन 90 होता है 1, तो आयोटा इंटू 1 तो दैट विल बी आयोटा, ठीक है। तो ऐसे आप वैल्यू निकाल सकते हो, सिस का आपको पता होना चाहिए, सिस थीटा जो होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रहता है, करेक्ट। तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना। इन्वर्स निकालने वाला क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन है, मल्टीप्लीकेशन वाले क्वेश्चन है, तो मल्टीप्लीकेशन वाला भी क्वेश्चन आ जाएगा, आ सकता है। तो जैसे मान लो आप मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स निकालना है, तो अगर आपको जेड दिया होगा, इफ जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस एटा वाई, देन मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ जेड विल बी इज इक्वल टू 1 ओवर जेड, ठीक है जी। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास जेड की वैल्यू 3 प्लस 4 आटा है, तो अगर आपको मल्टीप्लीकेटिव 1 ओवर जेड की वैल्यू निकालनी है इनवर्स की, तो दैट विल बी 1 ओवर 3 प्लस 4 आटा। आप यहाँ पे इसको छोड़ नहीं सकते, इसका डिनोमिनेटर को रेशनलाइजेशन करना है, इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग करना है। तो कैसे करोगे, 3 माइनस 4 आइटा ये बन जाएगा जी a प्लस बी ए माइनस बी, डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ऊपर आ गया 3 माइनस 4 आइटा। तो 3 माइनस 4 आइटा a स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, आइटा का स्क्वायर माइनस 1, सो दैट इज 3 माइनस 4 आइटा अपॉन 9 प्लस 16, ठीक है जी। तो ये आ गया जी 25, 3 माइनस 4 आइटा इज इक्वल टू 25। तो हमारे पास आ गया जी 3 अपॉन 25 माइनस 1 ओवर 25 आइटा, ये मेरे पास आ गया 1 ओवर जेड। तो 1 ओवर जेड का रियल पार्ट जो है, आपको हर चीज़ क्लैरिटी से पता होनी चाहिए, रियल पार्ट ऑफ 1 ओवर जेड विल बी 3 ओवर 25, और इमेजिनरी पार्ट जो विद आइटा वाला होता है, दैट इज इक्वल टू माइनस 4 ओवर 25। क्वेश्चन किसी तरह से भी पूछा जा सकता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना, ध्यान दो जरा। नाउ वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई दिस। कैसे करोगे, पहले आप मल्टीप्लाई कीजिए, पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो 1 माइनस 2 2 1 माइनस आइटा माइनस आइटा आइटा माइनस 2 माइनस 2 आइटा माइनस आइटा माइनस आइटा प्लस आइटा स्केयर, और ये 3 माइनस आइटा एज इट इज, और 1 प्लस आइटा, ये आएगा जी 2 माइनस आइटा माइनस 2 आइटा माइनस 3 आइटा, आइटा स्केयर होता है -1, सो 3 माइनस आइटा और 1 प्लस आइटा। देखो 2 माइनस 1 1, माइनस 3 आइटा इंटू 3 माइनस आइटा अपॉन 1 प्लस आइटा। तो स्टूडेंट आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 माइनस 1 इंटू 3 3, 1 इंटू माइनस आइटा माइनस आइटा, 3 आइटा इंटू 3 माइनस 9 आइटा, 3 आइटा इंटू माइनस आइटा प्लस 3 आइटा स्केयर माइनस 1, -3 -1 +3, आइटा इंटू आइटा आइटा स्केयर माइनस 1 1 प्लस आइटा, ये आ गया जी 3 माइनस आइटा माइनस 9
माइनस टेन आई था, माइनस थ्री प्लस थ्री आ गया, नहीं माइनस थ्री सर। ओके अपॉन वन प्लस आई था, ये कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया माइनस टेन आई था अपॉन वन प्लस आई था। नीचे रैशनलाइजेशन कर दिया, वन प्लस आईटा, वन माइनस आईटा, वन माइनस आईटा, साइन चेंज करके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होती है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये माइनस टेन आईटा माइनस हो गया माइनस टेन आईटा, माइनस टेन आईटा से मल्टीप्लाई प्लस आईटा स्क्वायर, ठीक है। सो दैट वी बिकम माइनस टेन आईटा और माइनस टेन, सॉरी ये माइनस टेन आईटा से माइनस आईटा मल्टीप्लाई हुआ प्लस टेन आ गया, आईटा स्केयर आ गया माइनस वन, तो आ गया माइनस टेन, ये आई वन का स्केयर वन, माइनस आईटा का स्केयर माइनस वन, माइनस माइनस प्लस वन, ये आ गया जी टू। आपके पास बेटा जी बन गया माइनस टेन, माइनस टेन आईटा अपॉन टू, ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा यू विल गेट माइनस फाइव आईटा। सो दिस इज द आंसर।